जय श्री राम भाई। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और भाई अब हम निकल रहे हैं होटल से। भाई यहीं पर हमने पिछला व्लॉग एंड करा था और भाई अब यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। और भाई अब नहा धोकर हो चुके हैं रेडी, खाना भी खा लिया हुआ है। अब निकलते हैं यहाँ से और करते हैं भाई आगे का सफ़र अपना स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट कर ली हुई है भाई, जैसे ही भाई प्रेशर बन जाए तो हम यहाँ से निकलते हैं। भाई प्रेशर बन चुका है, अब निकलते हैं यहाँ से हम गाड़ी को और भाई बढ़ते हैं आगे। और ये बीच वाली खिड़की भी मैंने खोल ली हुई है क्योंकि भाई कपड़े धोकर सुखाए हैं ना, कपड़े सूख जाए इसलिए। तो भाई अब लेते हैं भगवान प्रभु श्री राम का नाम और निकलते हैं यहाँ से। पहले लेते हैं थोड़ी आगे, अब भाई चलते हैं, लेते हैं गाड़ी को ब्रेक, निकलते हैं भाई। नीचे पानी कितना गंदा है भाई। और भाई पार होटल है, इसके लिफ्ट एक्सल में ना कोई दिक्कत है शायद। टायर अभी भाई बैक गियर डाला हुआ है, निशान भी आ चुका है, टायर उठ चुके हैं वो, लेकिन टायर उठ नहीं रहे, आवाज़ कर रहा है अभी, सही से उठे नहीं है, टच हुए है, टच होकर चल रहे हैं अभी, घूम रहे हैं भाई टायर। चलो भाई चलते हैं अब। अभी ना एक बार इन टायरों को मैं नीचे कर देता हूँ, उसके बाद भाई ऊपर उठाएंगे हम, थोड़ी देर भले ही नीचे चल रहा है टायर। अरे भाई होटल में भी भाई पार्किंग, भाई होटल की पार्किंग में भी गड्ढे काफी ज्यादा है। इस साइड से तो कोई नहीं आ रहा है और इस साइड भी कोई नहीं है भाई। अभी भाई गाड़ी माइलेज दिखा रही है 380 का, अब देखते हैं भाई माइलेज आ कितना रहा है, क्योंकि भाई 3.5 का तो इसने दिखाया ही है, सिर्फ एक बार थोड़ा कम हुआ था जाते समय, 3.40 का दिखाया था एक बार ही थोड़ा, और वो भी भाई ज़्यादा नहीं, करीब ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर तक दिखाया होगा, उसके बाद में तो सब सही हो गया था लेवल में। भाई ये देखो कैसे आ रहा है, लाइटें देता हुआ बंदा, ये होटल वाला ही है। और भाई ये अभी हम आ चुके हैं नलिया, चल रहे हैं अभी। चलना है हमने कुछ सीधा राइट साइड में, आगे से रोड जाएगी जखाऊ के लिए, जखाऊ पोर्ट के लिए। भाई ये रोड जा रही है राइट साइड वाले जखाऊ के लिए, पहले जखाऊ गांव और उसके बाद में पोर्ट, जखाऊ या पोर्ट यहाँ से करीब 25 किलोमीटर के आसपास होगा शायद, लमसम इतना ही होगा। ये रोड भाई वही है जखाऊ वाली, और अब हमें चलना है यहाँ से सीधा, चलते हैं पहले भुज, और भुज चलकर भाई देखते हैं टायर एक डालना है, अगर टाइम होगा तो खोलेंगे वरना भाई ऐसे ही चलेंगे, नहीं डालना है लिफ्ट वाला टायर। भाई गाड़ी नड़ियाद डंप की लोड करवा करना, पूरा मजा किरकिरा कर दिया हुआ है, अब भाई मन ही नहीं हो रहा है। चलो चलते हैं पहले देख लेते हैं, और भाई वहाँ पर होटल पर खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा है नड़ियाद में। भाई ये देसलपुर से पहले जो रेलवे फाटक है ना, ये भाई फाटक बंद कर दिया गया है, लेकिन
ट्रेन का तो भाई कुछ नामो निशान ही नहीं है, अभी तक ट्रेन चालू ही नहीं हुई है यहाँ से। पता नहीं टेस्टिंग के लिए शायद ट्रेन लेकर जा रहे होंगे, तो सिर्फ इंजन ही होगा और इंजन के पीछे शायद कोई एक आध डब्बा होगा या फिर पैसेंजर बोगी, कुछ भी होगा। बैग डालते हैं अभी भाई। ट्रेन वैन कुछ नहीं आई है, बस ऐसे ही बंद कर कर रखा हुआ था जाम लगा कर। भाई पहुंच चुके हैं सुखपुर और यहाँ पर अभी लगा हुआ है रेलवे फाटक का जाम। अब देखते हैं भाई जाम कब तक खुलेगा। भाई डबल लाइन हो चुकी है पूरी। भाई फाटक तो खुल चुका है लेकिन जाम काफी ज्यादा लगा हुआ है। अब भाई चल रहे हैं हम। ये भाई देखो आने वाली साइड का जाम। अभी हम पहुंच चुके हैं भुज और अपने आगे गाड़ी चल रही है नेवियासी 19 जो पहले मेरा छोटा भाई चलाता था भाई गाड़ी। अभी इस गाड़ी में दिलीप सिंह है। हम ऑफिस पर और हिसाब किताब हो चुका है, एडवांस भी ले लिया। अब निकलते हैं यहाँ से जैसे ही ग्रीस हो जाएगा। अंधेरा है ना इसलिए भाई लाइट पकड़ के बैठे हैं हम भी भाई के पास। और भाई क्या हाल है? और बढ़िया यार। बढ़िया बढ़िया भाई, कहाँ से हो आप? भाई मैं बिहार से हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम मनीष सिंह है। मनीष सिंह? मनीष सिंह हाँ। अच्छा, और भाई का भी भाई यूट्यूब चैनल है, क्या नाम है? यूट्यूब चैनल का नाम मनीष ब्लॉग 094 है, तो आप लोग जितना सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये भाई को सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। ये भाई पूरा दिखाता है ट्रक की लाइफ कैसी है, रोड पे पूरा वीडियो दिखाता है। भाई की चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग, जहाँ तक पहुँचे इसकी चैनल को पहुँचाए। ये भाई की चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई पूरा फ्रेश से बताता है कि यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, अपनी गाड़ी लोडिंग हुई, अनलोडिंग हुई। फाइनली भाई ये अभी हम पहुँच चुके हैं सामखियाड़ी और लग चुका है टोल पर तगड़े वाला जाम। पता नहीं कब जाम खुलेगा ये भाई। अब अपने आगे एक बस कैंटर ही है, उसके बाद अपना नंबर है। और भाई आज पता नहीं क्या है, बहुत ज़्यादा रश है रोड पर। अचानक से भाई इतनी सारी गाड़ियां पता नहीं कहां से आ गई। भाई ऐसा रश तो काफ़ी टाइम हो गया नहीं देखने को मिला है, 3-4 साल हो गया भाई इस टोल पर। ईटी कंपनी का गेट है ना, उससे भाई थोड़ा ही गेट पास करके थोड़ा ही आगे आया था मैं और जाम में लगा हुआ था। तब मेरा फ़ोन चालू था, वीडियो मैंने बाद में बनाया था, लेकिन भाई जाम काफ़ी तगड़े वाला था और आज रोड पर बहुत ट्रैफिक है। फाइनली भाई सामखियाड़ी क्रॉस कर लिया हुआ है हमने और चल रहे हैं अभी हम। और भाई अब आगे चलकर रुकेंगे हम कृष्ण सुदामा होटल पर, वहाँ पर अपनी दो गाड़ियाँ और खड़ी है, चलते उन भाइयों के पास। वो भी भाई मेरी राह देखे बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं भाई कब आएगा भाई और खाना खाएंगे। उन्होंने भी भाई खाना नहीं खाया है, खाना सब साथ में ही खाएंगे भाई। ये अभी हम आ चुके हैं कृष्ण सुदामा होटल पर। अब भाई यहाँ पर रुकते हैं हम, तब तक ये सारा जो ट्रैफिक है वो शायद बिखर जाए। अब उन भाइयों ने उन बंदों ने पता नहीं गाड़ियां अपनी कहां पर लगाई है, उनके पीछे ही रख देते ना गाड़ी तो भाई सही था, लेकिन कहां पर लगाएंगे हम गाड़ी को। भाई आ चुके हैं होटल में खाना खाने के लिए।
है? एक पागल आदमी आया। कौन है पागल? ये पागल नहीं है भाई, पागल तू है। मैं तो हूँ पागल। पागल ही दूसरों को पागल बोलेगा ना भाई। निकल चुका है अभी हम कृष्ण सुदामा होटल सामख्याली से, और भाई टाइम हो चुका है 12:52। 11 बजे हम आए थे यहाँ पर, 2 घंटे लग गए अपने को, खाना वाना खाया, भाइयों के साथ बैठे बातें वगैरह करी। इनकी तो भाई मोरबी की लौट है, ये तो अभी सुबह में ही निकलेंगे यहाँ से, लेकिन अपने को नड़ियाद पहुँचना है कुछ भी कर। तो अब हम चलते हैं, और भाई मदन सिंह का फ़ोन भी आ चुका है, उनको फ़ोन कर लेते हैं, क्योंकि भाई ये अभी हम पहुँच चुके हैं दांगद्रा, और टाइम हो चुका है रात को 2:58, 3 बज रहे हैं अभी, और मदन सिंह का फ़ोन चालू है, गपशप करते हुए जा रहे हैं। उसको भी भाई नींद आ रही थी, मेरे को भी नींद आ रही थी, अब बातों बातों हम दोनों की नींद उड़ चुकी है फिलहाल के लिए। तो अभी तो हमारे पास में भी नहीं है नींद, क्या पता कहाँ पर आएगी। भाई अभी रुके थे हम मौजे मस्ता राम पर चाय पीने के लिए, चाय पी ली हुई है हमने, और भाई अब हम निकलते हैं यहाँ से, और भाई ये खड़ी है अपनी गाड़ी। भाई ये अभी हम पहुँच चुके हैं वीरम गांव, चल रहे हैं अभी हम। भाई मैं वीडियो बना कर आ रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने मेरे तरफ टॉर्च घुमा दी, तो मैंने फ़ोन को नीचे कर दिया। और भाई ये तिरंगा सर्कल, भाई ये अभी हम पहुंच चुके हैं सणंद, और भाई चल रहे हैं बिल्डिंग में, लाइटें क्या ही मस्त लग रही है, दोनों बिल्डिंगों में लाइट है, दोनों नहीं भाई चारों बिल्डिंग में है। पांचवी में नहीं है भाई, पांचवी बिल्डिंग ऐसे ही है बिना लाइट हो गए। भाई वो पार खड़ी है अपनी गाड़ी, और अभी हम पहुंच चुके हैं शांतिपुरा सर्कल, और टाइम, और भाई अब टाइम हो चुका है सुबह के 5:30, और हम पी रहे हैं भाई चाय। भाई यहाँ से लेना है अपने को राइट साइड में टर्न, सीधी रोड जा रही है सरखेज के लिए, लेफ्ट साइड में गांधीनगर के लिए, और हमें चलना है राइट साइड में जो कि रोड जाएगी भाई सनाथल सर्कल के लिए, और फिर वहाँ से भाई राजकोट जाना है तो भी यही रोड है, और रिंग रोड पकड़ना है तो भाई यही रोड जाएगी। खराब रोड बस वही है थोड़ी आने वाली, बाकी ये रोड तो पूरी भाई कंप्लीट रोड बनी हुई है। अब भाई आगे से चढ़ेंगे हम ब्रिज के ऊपर से भाई, फिर और भाई फिर ना पूरा ब्रिज के ऊपर ऊपर से ही चलना है अपने को, और भाई ये पूरा ना इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्री ही है हर जगह पर, ये पूरी भाई फैक्ट्री फैक्ट्री है। और भाई यहाँ पर लगती है नो एंट्री। ये आ गए भाई हम ब्रिज के ऊपर अभी, और भाई ब्रिज के नीचे जो सर्कल है ना उसको भाई बोलते हैं उजाला सर्कल। वो भाई पार सामने जो लाइटें दिख रही है वो है भाई रिंग रोड की लाइटें। भाई अचानक से इतने खींच कर ब्रेक क्यों मार रहे हो? अच्छा भाई इसी को वाले बंदे ने ना ब्रेक मार दी थी खींच कर, और उसके आगे भाई कोई नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी बंदा ब्रेक है मार रहा है। फाइनली भाई ये अभी हम आ चुके हैं असलाली। अक्सर भाई इस सर्कल से हम ना सीधे ही चले हैं, लेकिन इस बार चलेंगे हम इस सर्कल से राइट साइड में।
अभी आ चुके हैं हम मेन रोड पर। और भाई ये रोड जा रही है सीधी बड़ौदा के लिए, बड़ौदा सूरत वापी बॉम्बे। फाइनली भाई अभी हम आ चुके हैं नड़ियाद डिपो में, डंप जिसको भाई सीमेंट का डंप बोला जाता है, उसमें आ चुके हैं। अभी हम उस जगह पर आ चुके हैं अभी हम भाई, अब देखते हैं भाई कब तक आते हैं डंप वाले और हम नंबर लिखवाते हैं अपना, शायद जुगाड़ बनेगा। अगर कुछ सेटिंग होगी तो भाई हम यहाँ से खाली कर कर निकल जाएंगे सेटिंग कर कर कुछ भी, और नहीं होगा तो भाई कुछ नहीं है, अपने को रुकना ही है, वैसे ही होटल पर ही जाना है अपने को, उससे आगे अपने को कहीं जाना नहीं है। तो भाई आज के ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं और अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, मिलते हैं कल आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए भाई गुड मॉर्निंग बोलो या गुड नाइट बोलो, भाई सोया हुआ हूँ नहीं मैं बिल्कुल, अब भाई नंबर लिखवा कर 8 बजे के बाद में मैं सोऊंगा, और उसके बाद में भाई पता नहीं कब भाई गाड़ी खाली होगी, कोई भरोसा नहीं है। तो भाई अब करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, बाय।